क्या चल रहा है बच्चों का स्कूल में? एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये खाना खा के दिखाएंगे? अबे ओ, मैं ये सड़ा भूसा खाना क्यों खाऊंगी? और कौन है तू? अंदर किसने घुसने दिया तुझे? मैडम मैं कोई भी हूँ, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये खाना आपके स्कूल का है, आप इसे खाकर दिखाइए। ये ना हमारे स्कूल का खाना नहीं है। बेटा कहाँ से लेके आए हो इस खाने को तुम? मैम ये खाना स्कूल के कैंटीन का है। बेटा कितना झूठ बोलोगे तुम, ये हमारे स्कूल का खाना हो ही नहीं सकता। सच में मैडम ये स्कूल से लिया था खाना। शांत रहिए मैडम, इस बच्चे के ऊपर अपना जोर मत दिखाइए। और रही बात इस खाने की ना, ये खाना मैं आपके स्कूल की कैंटीन से लेके आया हूँ। अरे भाई साहब पहले आप ये बताओ आप हो कौन? अरे मैं कोई भी हूँ, इससे आप दोनों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे बस ये पता है कि आप दोनों यहाँ पर गलत हो। अरे मिश्रा जी आप भी क्या इसका बायोडाटा ले रहे हो? होगा कोई भिखारी नल्ला गवार आ गया यहाँ पे हमारा दिमाग खराब करने। एक सेकेंड, और क्या पता तू ही कहीं से खाना उठा के लाया हो ताकि हमारे स्कूल को बदनाम कर सके। देखिए मैडम अब आपका ना बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो आप बच्चों को लो क्वालिटी का खाना देते हो, बासी खाना दे रहे हो, जला हुआ खाना दे रहे हो, उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। अबे ओए अगर तुझे इतनी फिक्र हो रही है ना स्कूल के बच्चों की तो जाके ना खुद ही खाना बना दे और खुद ही बांट दियो खाना बच्चों में। क्या बात कही है मिश्रा जी, वाह। अरे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है आप दोनों को। अरे आप लोगों को पता है आपके स्कूल के अंदर बच्चे इतने ज्यादा एब्सेंट क्यों होते हैं? आप लोगों को कहां से पता होगा? क्योंकि आप दोनों को सैलरी टाइम पर मिल जाती है, आप दोनों को काफी फिक्र होगी बच्चों की। हो गया तेरा, जो राशन हमें गवर्नमेंट देती है ना हम उसी से खाना बनवाते हैं। और क्या पता तू ये कहीं से उठा के लाया हो और हमारे स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो। वैसे ना मिश्रा जी सही कह रहे थे, एक काम कर तू ही खाना बना के बांट दिया कर ना। मैडम सरकार ना आपको A1 क्वालिटी का राशन बेचती है, पर आप लोग क्या करते हो उस A1 क्वालिटी के राशन को बेचकर लो क्वालिटी का राशन ले लेते हो और उससे खाना बनाते हो। और आपको पता है आप लोग ऐसा क्यों करते हो? अगर आप A1 क्वालिटी के राशन से खाना बनाओगे तो आपकी जेब में पैसा कैसे बचेगा? जब तुझे सब पता ही है तो क्यों हमारा टाइम वेस्ट करने आ गया? और एक बात बता, तुझे यहाँ इस हालत में एंट्री किसने दी है? मुझे तो एंट्री मिल गई है यहाँ पर अब ना तुम दोनों की यहाँ से एग्जिट होने वाली है। तू शायद जानता नहीं है मैं इस स्कूल की ना प्रिंसिपल हूँ, और जब तक मैं नहीं चाहूंगी ना यहाँ कुत्ता भी नहीं आ सकता। पता नहीं तू कैसे आ गया, अब तू समझ जा कि तू कुत्ते से भी बदतर है। अगर कोई जाएगा ना तुम दोनों जाओगे। कहाँ? जल्दी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर जी सर। इंस्पेक्टर सर देखिए ना ये आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से एक गंदा और बासी खाना उठा के ले आया ताकि हमारे स्कूल को बदनाम कर सके। बल्कि हम तो अपने बच्चों को एकदम फ्रेश खाना और साफ पानी पिलाते हैं। हो गया आप दोनों का, आपको पता भी आपके सामने जो इंसान खड़ा है वो कौन है? वो इस शहर के ना नए IAS ऑफिसर है। क्या हुआ तुम दोनों को? अभी कुछ देर पहले तो तुम दोनों मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे, और जैसे तुम दोनों को पता चला मैं इस एरिया का नया IAS ऑफिसर हूँ, तुम दोनों के देखो चेहरे के रंग उड़ गए हैं। रियली सॉरी सर, ये सब ना मिश्रा जी ने करवाया है। इन्होंने बोला था कि सरकार से जो अच्छी क्वालिटी का राशन आए वो हम बेच दें और बाहर से लो क्वालिटी वाला राशन खरीद के उससे खाना बनवाएं। ये सब इन्हीं का प्लान था सर। अब ये क्या बोल रही हो, सारा राशन आप बेचती हो, पैसे भी अपने पास रखती हो, आप इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा रही हो। अरे चुप करो मिश्रा जी तुम। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। अभी कुछ देर पहले तो तुम मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे ना, अब क्या हो गया बोलो? और अपना स्कूल से सफाई होगी तुम जैसे गंदे लोगों की जिन्होंने सरकारी स्कूल को बदनाम करके रखा हुआ है। इस टाइम तुम्हें बच्चों को क्लासरूम में जाके पढ़ाना चाहिए, और तुम दोनों क्या कर रहे हो, आपस में बैठ के यहाँ पे गप्पे मार रहे हो। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, सरकारी स्कूल को बदनाम करके रखा हुआ है तुम दोनों ने। और मुझे अब समझ में आ रहा है सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई होती क्यों नहीं है, क्योंकि तुम जैसे करप्टेड टीचर होते स्कूल के अंदर जो सरकार से पैसे तो लेते पढ़ाने के, पर उसके बदले में क्या करते हैं, आपस में बैठ के टाइम पास करते हैं। और एक चीज और रहा, मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करता हूँ। सिर्फ सस्पेंड नहीं करूंगा, साथ में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाऊंगा बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए। सरकार से तुम्हें A1 क्वालिटी का राशन मिलता था ना, उसको बेचकर तुम सस्ती क्वालिटी के राशन से खाना बनवाते थे, इससे बच्चों की सेहत के ऊपर कितना ज्यादा असर पड़ेगा कभी तुमने सोचा है? अरे तुम कहां से सोचोगे, अगर तुम ये चीज सोचते ना तुम ऐसे भ्रष्टाचार करते ही नहीं। अब ना मुझे वो टाइम वेस्ट नहीं करना। इंस्पेक्टर इन दोनों को जेल के अंदर लेके चलो। जी सर। चलो तुम दोनों।